हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में बात करेंगे कि आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैसे कैसे फॉर्म में जो है परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छा परफॉर्म आप अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपको जो है पेपर को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में जो है टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 3 मार्क्स करेंगे, और साथ में जो भी आपके जो है अगर हम मार्क्स की बात करें तो 3 मार्क्स करेंगे, और कोई भी आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पूरा आपको जो है 100 क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको जो है स्किप करके नहीं आना है। और कोई भी बच्चा यह नहीं बोलेगा कि सर जो है मेरा पेपर छूट गया, टाइम कम पड़ गया, तो ये सारी चीजें जो है इरिवेलेंट है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप टारगेट 100 का बनाकर जाइएगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जो स्टेप आपको फॉलो करना है। सपोज करिए आप लोग तो बोलते रहिएगा चीजें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, हाँ या ना में, या जो भी आपको दिक्कतें आएंगी पूछिएगा, ठीक है। मतलब वॉइस के फॉर्म में बोलेंगे तो हमको क्लियर रहेगा कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक। तो आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, तो स्टेप वन में सपोज करिए आपने जो है 1 से लेके आप 100 तक के क्वेश्चन को आपने देख लिया। उसमें कुछ भी आपको पोर्शन हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज के लिए पहले स्टेप में आपने जो है 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को पूरा आपने देख लिया, देखने इन द सेंस के अटेम्प्ट किया। और सपोज के लिए आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन आपको बन गया, तो पहले का ऑप्शन जैसे आपका जो है फर्स्ट का ऑप्शन सी है, तो बबल्स को ध्यान से उसको हाथों से ऐसे काउंट करिएगा, और पहले के सामने जो है तीसरे नंबर पे बबल्स को जल्दी से ब्लैक पेन से फिल कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि ब्लैक बॉल पेन आप लेकर जाएं जो थोड़ा सा प्रॉपर अच्छे से चले, ठीक है, और मिला मिला कर हाथ से ऐसे कर करके उसको करिएगा कि उसे कि सीरियल ऊपर नीचे हो सकता है तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी। पहला क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरे का पहला करेक्ट है, तो आपने पहला जो है ऑप्शन ए को फिल अप कर दिया, आपको तीसरा आ ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा भी नहीं आना है, स्किप किया। चौथे में थोड़ा डाउट से कि अगर जो है ये दो ऑप्शन आपको तो क्लियर है, बट दो ऑप्शन में डाउट है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप आगे पांचवे क्वेश्चन पे। पांचवे क्वेश्चन का भी आप सपोज करें कि पहला ही करेक्ट है, तो आपने पहला को फिलअप कर दिया, ठीक है। ऐसे आप जो है ये सीरियल वे में करते हुए आप पूरा जो है 100 क्वेश्चन पे चले गए, ठीक है, 100 क्वेश्चन पे चले गए ऐसे करते हुए। और आपको जो है जैसे कि कुछ पोर्शन आपके एग्जामिनेशन में थोड़े सिंपल होते हैं, कुछ आपके मॉडरेट होते हैं, और कुछ पोर्शन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं या हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आप इजी टू मॉडरेट और जो भी आपके हार्ड है सभी पोर्शन को टच करते हुए आपने 100 क्वेश्चन को पूरा टच कर लिया, और 100 क्वेश्चन को आपने टच किया तो उसमें से आपका जो है 50 क्वेश्चन जो है आपके बन गए, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में आपने पहला स्टेप लिया और उसमें आपने 50 क्वेश्चन कर दिया, जो आपको श्योर है कि जो भी हमने 50 क्वेश्चन की वो पूरी तरीके से आपका 100% करेक्ट है, ठीक है। अब आपने दूसरा अटेम्प्ट लिया, जो क्वेश्चन हमने हमको नहीं आ रहा है उसको तो हमने 2 से 3 बार उसको रीड किया, फिर भी नहीं आ रहा तो उसको स्किप करिए। जैसे कि आपको ज्यादा समय नहीं देना है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड दीजिए, 40 सेकेंड मैक्सिमम दीजिए, अगर नहीं बन रहा तो उसको स्किप करिए और स्टेप 2 लीजिए, ठीक है। स्टेप 2 में जो भी आपके 50 क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको फिर से हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर से 2 से 3 बार उसको रीड करेंगे, थोड़ा सा चीजों को कोशिश करेंगे कि उसको टैकल करने का, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपने दूसरे अटेम्प्ट लिया, सपोज करिए आपका जो है इसमें आपका 28 से 30 क्वेश्चन आपके बन गए, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ मॉडरेट हो सकते हैं और कुछ इजी वाले थे, आपने उसको अप्रोक्सीमेशन के यूज किया, एलिमिनेट किया ऑप्शन को, और डीएस कॉन्सेप्ट लगाया, डिविजिबिलिटी लगाई, या जिस तरीके से भी आप ऑप्शन के थ्रू गए या थोड़ा बहुत चीजें कनेक्ट हो रही थी तो उसको कनेक्ट कर आपने दूसरा अटेम्प्ट लिया और आपका जो है 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, 80 क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया। स्टेप नंबर 2 में सपोज करिए स्टेप 1 में आपने जो है 30 मिनट लिया, 30 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन किया, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पढ़े थे और उसके ऑप्शन पूरे याद थे, तो 30 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन किया, ठीक है।
और फिर जो आपने दूसरा अटेम्प्ट लिया 30 क्वेश्चन करने के लिए, उसके लिए क्या किया आपने, 50 मिनट्स और ले लिया। क्या किया, 50 मिनट्स ले लिया, ठीक है। जैसे कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, कुछ आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, तो थोड़ा समय ज्यादा कंज्यूम कर लिया, 1 मिनट से भी ज्यादा समय ले लिया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 30 ये हो गया और ये आपका 50 हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, 80 मिनट हो गया, 80 मिनट हो गया। बताइए यस या नो। यस सर, कितने को मिनट यस आपके रिमेनिंग है और कितने क्वेश्चन आपके जो है भी रिमेनिंग है, ये बताइए आप। 20 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपके पास जो है पूरे 40 मिनट बचे हैं। 40 मिनट बचे हैं कि नहीं बचे हैं, सर, ठीक है। आप उसको, आप जो है यस अपना जी सर, जान लगा दीजिए, जैसे भी आप उस क्वेश्चन को टैकल करें, 2 से 3 बार उसको रीड करिए, कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, फिजिक्स की प्रॉब्लम है, या जो भी आपके पोर्शन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, 2 से 3 बार उसको रीड करिए, उसके ऑप्शन को ध्यान से देखिए और अपनी चीजों को कनेक्ट करने की, रिकनेक्ट करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि जो है हम ज्यादा से ज्यादा कर सके क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि 20 आपके जो है क्वेश्चन बचे हैं, बट आपके पास 40 मिनट है, मतलब एक क्वेश्चन पर 2 मिनट है। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस भी करते हैं तो भी आप जो है समय से पहले भी क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट पहले ही आप क्वेश्चन को कर सकेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को जोर देने की जरूरत है, 80% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो आपने 80 क्वेश्चन किए हैं, ये आपको लग रहा है कि जो 80 क्वेश्चन हमने किए आपका करेक्ट है, बट इसमें से मे भी 70 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। तो जो ये 20 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अगर सपोज करिए 20 में से आपको 15 इसमें सही कर लिया, या 15 नहीं एकदम गिरते हुए हालत में 10 भी सही कर लिया, तो ये 70 में 10 प्लस करोगे तो 80% आएगा, और ये 240 के अप्रोक्स आता है, 250 के अप्रोक्स आपका मार्क्स आ जाएगा, और 240 से 250 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। सेफ जोन में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग यस करते हैं तो, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए टाइम को सर, मैनेज बहुत ही ध्यान से करिएगा, यस पहले जो आप स्टेप अटेम्प्ट करिएगा उसमें टाइम बहुत ही कम देना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको 10 सेकेंड में स्किप करिए, 20 सेकेंड में स्किप करिए। जैसे कि हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 सेकेंड या 40 सेकेंड देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। नहीं आ रहा तुरंत स्किप करिए, ये नहीं कि आपने सपोज करिए ये दूसरा क्वेश्चन मैथ का आपको मिल गया, अगर सीरियल गड़बड़ रहा मैथ का क्वेश्चन मिल गया और बोर्ड एंड स्ट्रीम या ऐसे क्वेश्चन मिल गए जो आपने देखे भी नहीं थे और उसको पढ़ने में ही बहुत ज्यादा समय, तो उसको तुरंत पहले स्किप करिए। क्यों, कैसे कि हमको पहले 100 क्वेश्चन तक पूरा पहुंच जाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए जो है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस के लिए प्लस हो सकता है, मतलब अच्छा हो सकता है। आपको टोटल क्या करने हैं, 100 क्वेश्चन एनी एंड हाउ आपको अटेम्प्ट करने ही है, और अटेम्प्ट करने हैं, और ये स्टेप जो है आपका 3 था, जिसमें हमने क्या किया 40 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन को किया, बहुत ही आराम से किया, हंसते खेलते किया, उसमें पानी वानी भी पी लिया आपने, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। देखिए अब आप ये 3 चरण में जो है पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, और जो बच्चे जो हैं इस तरीके को नहीं जानते, इस टेक्निक को नहीं जानते हैं, वो क्या गलतियां करेंगे, और आपको उनकी गलतियों से प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि कि अगर कंपटीशन कम हो रहा है तो वह जो है कुछ ऐसा गलतियां करेंगे जो आप न करो, ठीक है। अगर आप भी सेम चीजें रिपीट करोगे तो आप भी कंपटीशन से बाहर ही हो गए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कहने का सेंस ये है कि इस स्टेप को जो है फॉलो करिएगा और प्रॉपर जो है एकदम फॉलो करिएगा, और सेंटर पर जो है थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप रिलैक्स महसूस करें, काम महसूस करें। एडमिट कार्ड प्रॉपर सभी चीजों को मिला लीजिएगा, वहां पर लिस्ट आपकी चिपकी होगी, कौन से आपके फ्लोर पे आपकी सिटिंग अरेंजमेंट किस रूम में कराई गई है, प्रॉपर अच्छे से देख दे लीजिएगा, और बहुत ही ज्यादा भारी भरकम ड्रेस पहन के जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे तरीके से जो है एक आपका जो है पहन सकते हैं, मतलब जो मेरे प्यारे बच्चे हैं और बच्चियों के लिए जो भी आप रेफरेंस के तौर पे जो भी मतलब यूज करना चाहते हैं आप, मतलब थोड़ा सा हैवी मत पहन कर जाएगा ड्रेसेस, क्योंकि कि समर का सीजन है तो थोड़ा सा लाइट उसको पहनेगा, ठीक है। अब इतना भी लाइट मत पहन लीजिएगा कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए करना है, और आपको क्या नहीं करना है एग्जामिनेशन में, सबसे पहले अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वहां पे आपके इन्विजिलेटर रहेंगे, मतलब वहां पे लोग रहेंगे आपको सुनने वाले, आपको समझाने वाले,
आप गलती मत करिएगा, ऐसा नहीं कि आप जो है रोल नंबर में कुछ आप बुकलेट नंबर भर दिया फिर उसके बाद जब गलत हो गया तो वो सर को बुला रहे सर 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 गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सब करने से आपका टाइम कंज्यूम होगा और आप डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जो भी दिक्कतें आएंगी वहां पे आपकी गाइडेंस के लिए लोग रहेंगे, आप उनको बुलाइए वो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। वहां पर आपका जो है अटेंडेंस सीट आएगा उसको जरूर से आप फिलअप करिएगा, वहां पे सिग्नेचर करने के लिए आएगा, नेम लिखने के लिए आएगा, क्वेश्चन बुकलेट लिखने के लिए आएगा, रोल नंबर लिखने के लिए आएगा, उसको प्रॉपरली आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पर आपके लिए आएगा अटेंडेंस सीट, ठीक है, क्योंकि कि जैसे स्कूल में आपका सेंटर जाएगा वहां पर वो अटेंडेंस सीट रहेगा, अगर कोई त्रुटि आएंगे तो वहां से आप अटेंडेंस सीट निकलवा के आप ये कंफर्मेशन कर सकते हो कि हमने एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है। तो पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई कि कैसे आपको जो है अपने पेपर को जो है अटेम्प्ट करना है, आई होप पूरी तरीके से समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो यस तो पूछ लीजिए आप लोग, एनी डाउट्स नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग सर, पेपर अटेम्प्ट यू कैन आस्क नो मी। सर। किसी तरीके का कोई डाउट्स? रॉ फोर कैसे मिलता है पेपर? देखिए ये हो गया पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, अब हम बात करते हैं कि और चीजें आप कैसे कर सकते हो। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो इसको ले लीजिए, और सेफ जोन में पहुंचने के बाद आप रिलैक्स महसूस करिएगा। सपोज करिए आपने 80 क्वेश्चन सही से कर लिए, ऐसा आपको लगता है कि 80 क्वेश्चन सही आपने किया है, तो फिर आप रिलैक्स महसूस करेंगे, जो 20 क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ यस देखिए सर, ये बिल्कुल मत करिएगा कि जैसे सपोज करिए आपने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन किए उसमें हिंदी मिला, ठीक है, कर लिया, फिर मैथमेटिक्स मिला तो पूरा उसको छोड़ दिया, नहीं, आपके सिंपल पोर्शन है आप फर्स्ट अटेम्प्ट लीजिए, और अगर छोड़ने का भी स्कीप है तो पहले अटेम्प्ट में कोशिश करिए कि आपका 50 क्वेश्चन जो है अप्रोक्स मीट हो, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका होना चाहिए, और एक क्वेश्चन करिए और एक बबल्स को फिलअप करिए, मतलब जिसकी कंफर्मेशन है, मतलब जो को आंसर आपको कंफर्म है उसके बबल्स को मिलाते हुए, हाथ से ऐसे मिलाते हुए उसको कलर करते चलिए, ऊपर नीचे ऑप्शन को इधर उधर मैच मत कर दीजिएगा, मिसमैच करेंगे। ओएमआर सीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, वो एक तरीके की मशीन होती है उसको रीड करता है, तो इस तरीके की चीजों को मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है बच्चा, क्लियर है। क्लियर। ये हो गया पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, जो आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, जैसे कि मैं इसी तरीके से एग्जामिनेशन में सॉल्व करता था, मैं 2 से 3 4 अटेम्प्ट भी लेता था, अगर जरूरत पड़ती है तो आप 4 अटेम्प्ट भी ले सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि पूरे 100 क्वेश्चन बनाकर आएगा, और इसमें किसी भी तरीके का कोई आपको जो है कंप्रोमाइज नहीं करना है। सपोज करिए कि लास्ट के 5 मिनट बचे हैं और आपके पास 5 क्वेश्चन है, तो थोड़ा डिविजिबिलिटी, थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट, थोड़ी चीजें कुछ ऐसा लगा कर जो है उसको आप मार कर आइएगा, उसको स्किप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक, क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, आपको जो है पेपर तो आपने बता दिया कि सर अटेम्प्ट करना है, रोल नंबर वगैरह सब कुछ आप प्रॉपर लिखिएगा, वहां पे लोग रहेंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लीजिएगा, बाकी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 2 एक्स्ट्रा फोटो विथ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पे एक आपको फोटो सेम जो एडमिट कार्ड पे दिख रहा है, जो आप दिख रही हो सेम चीजें आपको पेस्ट करना है, और सिग्नेचर अभी नहीं करना है बच्चा, स्क्रीन को टच ना करिए, पेन को टच ना करिए, ठीक है, तो सेम आपको जो है सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करना है, एग्जामिनेशन हॉल में करना है। रफ की बात करते हैं तो देखो बच्चा पीछे जो है रफ के लिए आपका जो है पेज दिया रहता है, जैसे आप अगर ओरिजिनल पेपर कहीं देखोगे ना तो मेरे पास ओरिजिनल पेपर में भी होंगे, ठीक है, तो वहां पर रफ के लिए जो है चीजें रहती हैं, ठीक, तो बट आपको जो है रफ पीछे नहीं करना है, इसलिए हमने आपको जो है पेंसिल के लिए बोल रहा हूँ कि पेंसिल आप लेकर जाएंगे जिससे कि आपको दिक्कतें नहीं होंगी। ये 2023 का आपको जो है ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, यहाँ से देखिए पीछे एक एक पेज ये और उसके पीछे एक, मतलब एक पूरा पेज जो है दोनों तरफ मिलाकर रफ के लिए दिया गया है, बट आप पेंसिल ले जाएगा, जहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा वही सामने जो है उस क्वेश्चन के आसपास का जो आपका बॉर्डर या आप कह सकते हो मार्जिन दिया गया है उस तरीके से आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, वहां पर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे कि आपका थोड़ा पीछे पलटने वाले जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा कम हो जाए, जैसे कि आप 5 मिनट पूरे बचा पाएंगे। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए, अंतिम दिन है तो कुछ ऐसा करिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए।
और दो तीन बातें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर जो है कौन सी यूनिट में आ रहा है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में उसका यूनिट क्या दिया गया है ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान रखिएगा कि आस कम से क्या कर रहा है। अब आस कुछ आपका जो है एरिया कर रहा है, आपने वॉल्यूम निकाल दिया, तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर कोई मीटर क्यूब में दिया है और उसका लैंग्वेज क्वेश्चन के इधर उधर दिया है, तो मीटर क्यूब का मतलब सीधे वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की यूनिट और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो है करिएगा, और कम से कम क्वेश्चन को जो भी आपको क्वेश्चन आता होगा मतलब जो कंफर्म है उसको भी दो टाइम आपको रीड करने की सरसरी नजर से मतलब थोड़ा तेजी से जो है रीड करके उसको जो है आपको कंप्लीट करने की जरूरत है, ठीक है। सरसरी नजर से उसको देख लीजिएगा और दो से तीन बार अपने मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें आप कंफर्म करिएगा कि ऑप्शन यही है, जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं बचा। देखो आप अगर ओवरऑल पेपर को 10 मिनट लेट में भी सॉल्व करते हो तो भी चलेगा, बट उस पे करेक्टिव एक्शन होना चाहिए, मतलब आप करेक्टिव उसको सॉल्व करिए, ऐसा ना हो कि जो है बहुत ही जल्दीबाजी में जो है क्वेश्चन के आंसर को आता वो भी वो गलत करके आ जाए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आप टुक्का मारते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसमें भी थोड़ा चीजों को माइंड मैपिंग यूज करिए, उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको यूज करिए और वहां पर उसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। और अंतिम अंतिम दिनों में रिविजन कैसे करें, तो सबसे पहले आप पी वाई क्यूज पढ़िए थोड़ा सा, फिर वैसे क्वेश्चन करिए, जो टेस्ट सीरीज हमने दिया है उसको रट जाइए, और कहीं से आपने टेस्ट सीरीज परचेज किया है तो उसको भी देख लीजिए, और सीओ सीरीज पढ़ी है मेरा यहाँ का, उसके आंसर को आप कंफर्म कर लीजिएगा। कुछ आपके जो है वीआईपी क्वेश्चन हमने दिए हैं उसको आप रीड कर लीजिए, और साथ में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसके फॉर्मूलेस को जो है एग्जामिनेशन के पहले थोड़ा फॉर्मूलास वगैरह जो है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिससे कि एग्जामिनेशन से बहुत पहले नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे तो एकदम पढ़ते हुए जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, पानी वानी पीकर बैठिएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री आपका 7:30 तक हो जाएगा, तो एंट्री पहले कर लीजिएगा, जैसे कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे तो ओएमआर सेट वगैरह एक अच्छे फॉर्म में आप फिल कर लेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गए सारी चीजें, कैसे आपको रिविजन करना है। एक दिन जो है आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ लेक्चर को रिफर कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन कराए जाते हैं, जैसे एक तरीके से आप हल्का हल्का रिविजन करिए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं मटेरियल बनाया उसको पढ़िए, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, या पूरा आपको अथाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बस वे बिलीव रखिए आपने कंटेंट अच्छा पढ़ा है, और अगर एग्जामिनेशन में नहीं भी आता है तो मोरल को डाउन नहीं करना है, और क्वेश्चन पेपर अगर सिंपल भी रहा तो बहुत ज्यादा उड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमको सब कुछ आ रहा है, वो सारी चीजें जो है आप नॉर्मल रखिएगा, मतलब मॉडरेट रखिएगा अपने आप को, ठीक है। काम चिल जिसको बोलते हैं, जस्ट चिल, ठीक है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर होंगी, फिर भी कोई डाउट्स होते हैं किसी भी प्रकार का तो पूछिए आप हमसे, एनी प्रॉब्लम बताइए। नो सर, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो नो सर, पूछिए बच्चा, इसमें डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।